अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हदिया ब्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप भी ठीक ठाक से होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हदिया ब्लॉग्स में आज ये चिकन कुकड़ी क्या कर रही है और ये नेशनल कोरमा मसाला। दरअसल पता क्या, वेलकम टू देसी खाना हमेशा मैं करती हूँ, ठीक है, और रेसिपीज़ उस पर हमारी जाती हैं। लेकिन आज हदिया ब्लॉग्स में जो चिकन और आपको जो नेशनल कोरमा मसाला नज़र आ रहा है और ये प्याज और ये लहसुन वगैरह, दरअसल मुझे मिला है चैलेंज। वो इस वजह से क्योंकि मैंने कभी भी आसान और मज़ेदार सा कोरमा बनाने की कोशिश नहीं की और हमेशा जब भी कोशिश की हमेशा फ्लॉप ही हुई, क्योंकि कभी प्याज जल जाते हैं, कभी क्या होता है, और कभी वो काला काला और बहुत ज़्यादा सा अजीब सा उसका कलर आ जाता है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना अब रेडीमेड नेशनल का मसाले का डब्बा लेते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट है। इसलिए मैं आस्ता आस्ता बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगी कि मैंने घर के मसाले यूज़ किए हैं, लेकिन मैंने घर के कोई मसाला यूज़ नहीं करूँगी। मैं यही डालूँगी और फिर अब उसे इनाम जीतूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मुझे क्या मिला, ठीक है यार। साथ साथ बातें भी करते हैं और साथ साथ रेसिपी भी शुरू करते हैं। अच्छा, मैं अब इसमें रेसिपी भी दे देती हूँ क्योंकि आप देख तो रही हो। तो 1 किलो मैंने चिकन लिया है, 1 अदर डब्बा नेशनल के मसाले का कोरमे का। ओ शिट, अदरक तो खाई ही नहीं। चले खैर, आप लोग अदरक और लहसुन की पेस्ट बना लेना, मेरे पास अदरक इस टाइम अवेलेबल नहीं था। सो जो चीज़ें अवेलेबल थी उन्हीं के साथ ही करना था। नेशनल का तो मैं डब्बा ले आई थी, लेकिन अदरक लाना मैं भूल गई थी। और इसमें कोई टमाटर वगैरह नहीं जाएंगे, दही जाएगा, दही फ्रिज में पड़ा था, अभी मैं दही भी निकालती हूँ। और ये 3 अदद हरी मिर्चें, थोड़ी 4 है, 1 2 3 चार अदद हरी मिर्चें हैं और इनको हम पेस्ट बना लेंगे। हमारे प्याज हैं 3 अदद, उन दरमियाने साइज़ का, उनको हम काट के। और ये खूबसूरत सी हांडी, इस हांडी में हम बनाएंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले हम हांडी की गहराई चेक करते हैं। वाओ, कितनी गहरी है ना हांडी। सोचो इसमें जैसे लोग गहरी गहरी बातें करते हैं ना, उनको बंदे कहना चाहिए ना कि यार तुम कितनी गहरी हांडी हांडी गहरी बातें करते हो, तो इसी तरह मेरी गहरी हांडी है। खैर चलो यार, मैं जब सबसे पहले प्याज को काटती हूँ तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। प्याज श्याज काट के थोड़ा आंसू शांसू बहा के आपसे मिलती हूँ। ओनली 5 मिनट्स। यस, प्याज मैंने हांडी के अंदर डाल दी, इनको फ्राई करूंगी और ब्राउन करके बाहर निकाल दूंगी, क्या कहते हैं इसको, क्रिस्पी हो जाए, फिर मैं इनको क्रश कर लूंगी। यार सॉरी, शुरू में ना वो क्या हुआ कि मुझे लाइट्स ऑन करना मैं भूल गई। मैंने किचन के जो चूल्हे के ऊपर वाली लाइट भी ऑन नहीं की, पीछे से भी ट्यूबलाइट ऑन नहीं की थी, सिर्फ एक ही मैंने वो ऑन कर ली थी लाइट, तो इसलिए पता नहीं कैसी वो रोशनी का क्या हुआ क्या नहीं। खैर अभी, और दूसरी बात मैंने क्या कहना था, हाँ आपको ईद मुबारक, गुज़िश्ता ईद मुबारक। एक तो उर्दू इतनी मुश्किल पता नहीं क्यों बनाई है, खैर लेकिन यार उर्दू से अच्छी बोली भी कोई नहीं है। अच्छा तो आपको ईद मुबारक, और रमज़ान में मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, ईद की भी नहीं डाली, सिर्फ ईद मुबारक की डाली थी, क्योंकि यार रमज़ान में ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना कॉम्पिटिशन चल रहा है कि किसका दस्तरखान किसके दस्तरखान से आगे को निकल रहा है, कौन किसका ब्रेक कर रहा है रिकॉर्ड, कौन किसका नहीं कर रहा। क्योंकि पता है ये जो सेल फोन है ना, मेरी अपनी ओपिनियन है कि अब ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदे के पास है और पैकेजेस करवा के नेट हर कोई यूज़ करता है। अगर किसी के दस्तरखान की किसी की तस्वीर आ जाए और अगर वो ना अफोर्ड कर सके, तो हमें हर चीज़ सोचनी चाहिए। इसलिए इन चीज़ों से मैं थोड़ा ज़रा एक कदम पीछे ही रहती हूँ। और दूसरी बात ये कि ईद की भी शॉपिंग इसलिए नहीं दिखाई कि मैं पहले दिखा चुकी थी, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने ब्लॉग में कुछ नया करूं, कुछ अच्छा करूं, क्योंकि आप लोग एक चीज़ देख देख के फिर आप लोग तंग नहीं आ जाते? मैं तो तंग आ जाती हूँ, मैं तो बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में हर चीज़, हर टास्क, हर कुछ नया नया चाहिए। तो आप लोगों को भी चाहिए ना थोड़ा थोड़ा नया हो, कुछ अच्छा हो, रिलैक्स फील करे बंदा, क्या यार वही सुबह बोरिंग, वही ये इस तरह से। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा, और मुझे पता है ये भी थोड़ा बोरिंग ही होगा जो मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी यार। हाँ, और अगर आप लोग, अगर क्यों यकीनन आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करना। शुक्र है मैंने पेप्सी नहीं कह दिया, मैं ऐसे बोली जैसे पेप्सी का ऐड देने लगी थी। और
और उसके बाद आप लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और रेसिपी बनाओगे यार तो प्लीज मुझे बताना कि आपके घर में कैसी बनी है, ठीक है? क्योंकि हर हाथ का अपना टेस्ट होता है, अपना मज़ा होता है। और लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा सब्सक्राइब करना, और अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों में फैला दो हादिया ब्लॉग को। और आप सुनाओ आपकी ईद कैसी गुजरी है? चूरी खुरमा खा खा के कितने लोगों ने वेट गेन किया और कितने लोगों ने कम किया? क्योंकि मैं फेसबुक पे भी लास्ट टाइम देख रही थी कि काफ़ी लोगों ने अपना स्टेटस डाला था, यार मैंने इतने केजी गिरा दिया, इतने केजी बढ़ा लिया। मैंने भी थोड़ा बहुत कम कर ही लिया, ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन हो ही गया। अच्छा, प्याज ब्राउन हो रहे हैं हांडी में, ज़रा देर से प्याज ब्राउन होते हैं क्योंकि हांडी एकदम से गर्म नहीं होती, जब गर्म होती है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, फिर काफ़ी देर तक गर्म रहती है, क्या कहते हैं इसको, पकती रहती है। यस, प्याज ब्राउन हो गए और अब मैंने चिकन ऐड किया है और अब मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। और जब चिकन फ्राई हो जाएगा, हल्का सा गोल्डन होगा, तो फिर लहसुन और जो अदरक की पेस्ट बनाई है वो डाल के फिर मैं उसको भी भूनूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक प्याली दही की ली थी और उसके अंदर मैंने नेशनल का की कोरमा मसाला ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसको मैं बाद में ऐड करूँगी जब चिकन हमारा हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। अभी इसका कलर इतना खास चेंज नहीं हुआ, अभी फ्राई हो रहा है, और लहसुन और जो हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी। मैं आपसे ना अपने बचपन की बात शेयर करती हूँ। अम्मी ना मनाह पर गई थी पुप्पो के घर ना, तो पता है मैंने डोर टू डोर आंटीज आती थी कि सरफ का या कोई इस तरह का कोई चाय की पत्ती का पैकेट, कोई भी नया प्रोडक्ट आता था, तो शान का नया प्रोडक्ट आया ना तो अम्मी गई हुई थी, तो मैंने अबू को बोला कि बाय डोर पे आए हुए हैं तो ये मुझे लेके दें, मैंने अम्मी को सरप्राइज़ देना, अम्मी सबके लिए खाना बनाती तो मैं अम्मी के लिए बनाऊँगी। आई थिंक सो आई मीन फिफ्थ क्लास या सिक्स किस तरह था, तो अबू ने भी कुछ हेल्प की कटिंग वगैरह करने की, तो जब मैंने बनाया तो मैंने पूरा पैकेट डाल दिया, तो वो जाहिर है पता स्पाइसी हो गया था, जब देखने में तो मज़े का लग रहा था क्योंकि अब्बू ने भी हेल्प की थी, पूरा पूरा तो मैंने बनाया हुआ ही नहीं था, तो जब खाना खाया तो अब्बू की आंखों से पानी निकलने लग गया और अम्मी भी एकदम खामोश हो गई। लेकिन ये कि अम्मी को भी पसंद आया, अम्मी ने भी अप्रिशिएट किया, इनाम भी मुझे मिला। लेकिन अगर अम्मी मुझे उस वक्त रोक देती कि भाई तुमने चिकन भी ज़ाया किया, पैसे भी ज़ाया किए, मसाला भी इस तरह तुमने रिजल्ट ज़ाया किया, तुम क्यों गई किचन में, तो आज मैं किचन में खाना बना ही नहीं सकती थी सीरियसली, क्योंकि ये तो कुकड़ी का कोरमा बनाने का मुझे जो एजाज मिला है, जो फ़ख्र महसूस कर रही हूँ वो मैं फ़ख्र कभी महसूस ना कर पाती। मैं बात कर रही थी, एकदम कैमरे की ना लाइट ऑफ होगी, लाइट से बर्दाश्त नहीं होगी मेरी बात, देखो तो मुझे ज़रा जलसे की भी इंतहा होती है। अल्लाह अल्लाह, खैर अब ये मुर्गी जो हमसे ये फ्राई हो गई है, और अब मैं ना इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करके अच्छे से भूनने लगी हूँ। ज़रा मैं बहुत अपने कैमरे को ठीक करके आती हूँ, दो दो हाथ लगा के आती हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, इसके अंदर अब मैं जो दही बनाया था नेशनल कोरमा मसाला डाल के, वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, और जो प्याज फ्राई किए थे उनको मैंने, जिसमें लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था उसी जग में मैंने प्याज डाले और थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बना लिया। अब मैं वो ऐड करके इसको थोड़ा सा भूनूंगी और पानी डाल के इसको मैं दम पे रखूंगी। मज़ेदार सा कोरमा बिल्कुल तैयार हो गया है, और इसमें ना मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, पानी की क्वांटिटी मैंने दो ग्लास डाली थी, और ये देखिए इसकी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो गई है। और आप रेसिपी जब ट्राई करोगे तो बताना कि आपको कैसी लगी है। आई थिंक जो लाइट का थोड़ा, यार लाइट का थोड़ा मुझे इश्यू लग रहा है, थोड़ी गड़बड़ लग रही है, लेकिन आप ट्राई करना आपको कैसा लगा और मैंने अम्मी अबू से क्या जीता तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, और अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। तो अभी खाना की टेबल पे हम सब जाने लगे हैं और खाना खाने लगे हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलूंगी और रिव्यू भी बताऊंगी कि सबको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और मैंने चैनल
जो नेशनल बिरयानी कौरमे का था वो मैंने पास किया कि नहीं किया। खैर, इस चैनल को प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना और हादिया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। थम्स अप विद कुकड़ी। अल्लाह हाफिज़।